गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सभी की जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी रही होगी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। इसमें 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 ही है टोटली क्वेश्चन, तो उसमें से फर्स्ट और सेकंड हमने पढ़ लिया था। 3, 4, 5 एंड 6 आज हम पढ़ेंगे। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है और उनमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूले तो हमने लिखे ही नहीं है। तो फॉर्मूला देखो, एक तो ये है n-2 × 180°, ये किसका फॉर्मूला है? अंतर कोणों के योग का। और आप सबको पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब अंतर कोण और बाह्य कोण एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसके जो बाहर कोण बनेंगे ये तो हो गया अंतर कोण, और जो बाहर वाला है वो कौन सा होगा? बाह्य कोण। ठीक है, अंतर कोण और बाह्य कोण। और अगर हमने इस लाइन को बढ़ाया तो हम इस लाइन को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले एक लाइन में तो इसको बढ़ा लिया और जब नेक्स्ट बहुभुज बनाने लगे तो भी हमने दूसरा कोण ऐसे बढ़ा लिया। तो हम एक ही दिशा में बढ़ाते जाएंगे सारी लाइनों को। अब अंतर कोण और बाह्य कोण देखो, हमेशा सीधी लाइन पे बनेंगे, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उसमें हमेशा सीधी लाइन पे बनेंगे। तो जब सीधी लाइन पे बनेंगे मतलब इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री। अंतर कोण और बाह्य कोण का योग कितना आएगा? 180 डिग्री। अब क्वेश्चन दिया है हमें बाह्य कोण, जहां जहां फॉर्मूला आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, वो आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं आपको। बाह्य कोण दिया है 24 डिग्री। पूछा है भुजाओं की संख्या, तो ये फॉर्मूला है सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। आपको बाहर वाला ही कोण के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि ये देखो 360 बाह्य कोणों का योग और बटे भी बाह्य कोण। ठीक है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे 24 बराबर 15। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला है, ये जो लाइन है ये पूरी फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर कोण बराबर 165 डिग्री। अब निकालो नंबर मतलब भुजाओं की संख्या। अगर हमें अंतर कोण दिया है और फॉर्मूला तो हमारे पास किसका है? बाह्य कोण का। तो अंतर कोण से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम जानते हैं बाह्य कोण प्लस अंतर कोण बराबर 180 डिग्री। कैसे जानते हैं? क्योंकि ये दोनों किस पे बनते हैं? सीधी लाइन पे, रेखिक युग्मन। तो अंतर कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो अगर हमें बाह्य कोण का मान निकालना है तो अंतर कोण उधर चला जाएगा माइनस में। बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतर कोण, 180 माइनस 165 बराबर 15 डिग्री। तो हमारे पास देखो अंतर कोण था, हमने बाह्य कोण निकाल लिया। अब सेम यही क्वेश्चन बन गया, बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री, बाह्य कोण बराबर 15 डिग्री। सब बहुभुज में भुजाओं की संख्या 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे बाह्य कोण, 360 बटे 15 बराबर 24 आंसर। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में आपको बाह्य कोण दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, एक में आपको अंतर कोण दिया है तो उससे आप पहले बाह्य कोण निकालोगे फिर फॉर्मूला लगाओगे। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक ही फॉर्मूले वाली लाइन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाह्य कोण दिया है 22 डिग्री, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 बटे 22 बराबर 16.36। अब क्या आपने ऐसा बहुभुज सुना है जिसकी भुजाएं 3 हो 4 हो 5 हो, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, सुने 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, 7 भुजाएं, 8, सब सुना है। लेकिन क्या आपने ऐसी कोई भुजा सुनी है कि जैसे मान लो ये है 4 भुजाएं तो पूरी है और 1 भुजा आधी है, तो क्या ये बहुभुज है 4.5 भुजा का? नहीं है ना। तो वैसे ही 16.36 इतनी भुजाओं का भी कोई बहुभुज पॉसिबल नहीं है, तो अतः ये बहुभुज नहीं बनेगा जिसके अंदर कितने बाहर कितना कोण है 22 डिग्री। क्वेश्चन ये था कि अगर बाह्य कोण 22 डिग्री हो तो क्या ये बहुभुज बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमने डायरेक्ट ये सॉल्व कर दिया कि अगर बहुभुज होगा तो उसमें भुजाओं की संख्या भी होगी, तो भुजाओं की संख्या निकाली तो मिला 16.36, जो कि एक सही आंसर नहीं है। अगर ये सिर्फ 16 बार भाग जा रहा होता तो ये बहुभुज होता, पर ये अगर ये पॉइंटों में आंसर आ रहा है तो ये बहुभुज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नहीं, ऐसा सम बहुभुज संभव नहीं जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो, क्योंकि यह 360 से विभाजित नहीं होता।
अगर ये 360 से विभाजित हो जाता तो हम लिखते अतः ऐसा सम बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण इतना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हो रहा है वो आपको खुद करना है। ठीक है, उसमें अंतः कोण दिया होगा, पहले बाह्य कोण निकालना और फिर सेम ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन है सम, एक क्वेश्चन है कि पहला कोई ऐसा बहुभुज निकालो जिसके अंतः कोण कितने होंगे और बाह्य कोण कितना होगा। तो हमने सबसे पहले तो एक त्रिभुज लिया, ऐसा बहुभुज निकालना तो जिसमें कम से कम भुजाएं, तो कम से कम भुजाएं त्रिभुज में ही है, दो लाइनों से तो कोई बहुभुज बनेगा नहीं। और सम बहुभुज लेना है मतलब तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों वो कौन सा बहुभुज, सॉरी त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीनों ही समान होती हैं। बोला है कि इसका अंतः कोण निकालो, प्रत्येक अंतः कोण। तो सेवंथ क्लास में था ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों जगह एक्स 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 निकाल रखा था, फिर हम तीनों को एक्स प्लस एक्स जोड़ते थे और फिर फाइंड आउट करते थे। अभी मैं रिपीट कर देती हूँ, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण भी बराबर होंगे और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर 180 बटे 3 बराबर 60 डिग्री। ये तो वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व किया जैसे x x x से सॉल्व करते थे। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है कि इसका बाह्य कोण निकालो। अब देखो अगर इसका अंतः कोण 60 डिग्री है तो ये बाहर वाला कोण कितना होगा, 180 माइनस 60 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। इसका बी पार्ट है वो आपको उसका बाह्य कोण निकालना है। आई रिपीट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है जब बाह्य कोण दिया हो, अंतः कोण दिया हो तो पहले बाह्य कोण निकालो और फॉर्मूला लगाओ। जब बाह्य कोण दिया है तो आप सीधा भुजाओं की संख्या निकालो और इसमें डायरेक्ट आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, आज एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।